हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेकिंग लाइन। माय नेम इज़ आरती और इस वीडियो में हम बनाएंगे लेमन क्रीम चीज़ केक। इससे टी एंड कॉफ़ी केक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी केक है, वेरी इजी टू मेक। शाम की चाय के साथ आप इसको बहुत इजीली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इवन आप किसी की पार्टी में अगर इसको एज अ गिफ्ट कैरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई नॉट बी यूजिंग एनी फ्रॉस्टिंग टूडे, बट इट इज़ एन ऑप्शनल थिंग। इफ़ यू वॉन्ट, आई गिव यू वन मोर ऑप्शन एट द एंड ऑफ द रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी नाउ। सो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को प्रिपेयर किया है। सो आई एम यूजिंग दिस लोफ पैन हियर। इसको हमें अच्छे से ऑयल या बटर लगाना है और उसको पार्चमेंट पेपर से कवर कर देना है। मैं यहाँ पे अपना बचा हुआ बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, यू कैन यूज़ ऑयल ऑल्सो। एंड देन जो पार्चमेंट पेपर आप लगाएं उसको थोड़े से साइड में हैंगिंग छोड़ दीजिए। एट द एंड आपको केक को बाहर निकालने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो अभी हमारा पैन तैयार हो गया, लेट्स गो विद द पैटर्न नाउ। सो बैटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया 150 ग्राम्स ऑफ सॉफ्ट रूम टेम्परेचर बटर। इसको आप हाथ से या मशीन से अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट कीजिए, जब तक आपका जो बटर का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी लाइट एंड वेरी एयरी। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप विच इज 200 ग्राम्स ऑफ शुगर, 100 ग्राम्स ऑफ रूम टेम्परेचर क्रीम चीज़। मैं यहाँ पर डिलेक्टा ब्रांड की जो क्रीम चीज़ आती है वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसको ऑनलाइन बहुत इजीली ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। एंड आई एम यूजिंग जेस्ट ऑफ 2 लेमन्स। इस टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेमन्स, तो मैं बहुत छोटे लेमन ही अरेंज कर पाई थी। एंड अ जूस ऑफ 1 लेमन आउट ऑफ इट। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फिर से बीट कीजिए। आपको रियलाइज़ होगा कि आपका बैटर बहुत लाइट होता जा रहा है स्लोली। नेक्स्ट वी विल ऐड 3 eggs 1 at a time एंड 1/2 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस। हर एग को अच्छे से 30 सेकेंड के लिए बीट कीजिए बिफोर आप दूसरा एग इसके अंदर ऐड करते हैं। ड्राई इंग्रीडियंट के लिए मैंने एक बोल के अंदर 160 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1/4 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। आप इसको चाहे तो सिफ्ट भी कर सकते हैं, बट आपको इसे बेकिंग पाउडर को बहुत इवनली आपको बैटर के, आपको ड्राई मिक्स के अंदर इस तरीके से स्प्रेड आउट करना है। एंड आपका ड्राई मिक्स रेडी हो गया। मैं अपने बैटर में वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, सो इसलिए मैं वीडियो में अभी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर अपने ड्राई मिक्स को वेट में ऐड करेंगे। इन 2 एडिशंस आप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं सिंगल एडिशन में कर रही हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा हार्श ना हो जब आप वेट को ड्राई के अंदर मिक्स करते हैं। अगेन अगर मैं ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड द रीज़न इज़ कि हम अपने केक के अंदर ग्लूटेन को एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप यहाँ पर टाइम ले सकते हैं यूजिंग दिस कट एंड फोल्ड मेथड, आप इसके अंदर ड्राई को मिक्स कीजिए। सो अभी हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है, तो इसको पैन के अंदर अच्छे से पूरे बैटर को ऐड कीजिए और हमारा केक जाएगा बेक होने के लिए अवन के अंदर एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर रफली 40 to 45 मिनट्स इन अ प्री हीटेड ओवन। और चेक करने के लिए हमेशा सेंटर में आप एक स्क्यूअर लेके उसको पोक कीजिए। अगर आपका क्लीन आता है सो दैट मीन्स आपका जो केक है वो बन गया है। अगर आपको फ्रॉस्टिंग यूज़ करनी है तो आप 1 कप ऑफ शुगर के अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क डालकर भी आप एक फ्रॉस्टिंग रेडी कर सकते हैं। पूरे केक के ऊपर आप अच्छे से पोक कीजिए एंड गरम केक के अंदर जब आप ऐसा फ्रॉस्टिंग डालते हैं तो वो स्लोली स्लोली केक के अंदर सेट हो जाती है। वन वे ऑफ डूइंग इट, जब आपको विप क्रीम को विप करने की या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट आज मैं अपने केक को बिना फ्रॉस्टिंग के सर्व करने वाली हूँ। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बर्थडे पे बनाया था, तो हम लोगों को फ्रॉस्टिंग ज़्यादा बहुत पसंद नहीं है, सो वी लाइक वेरी बेसिक केक। सो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद 1 मोर अमेजिंग रेसिपी गाइज। टेक केयर, बाय एवरीवन।